जी, मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाका गलियात के छांगला गली और खैरा गली के दरमियान वाकया रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता शब रात भर यहाँ पर सियाह फैमिलियाँ सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ थी वो फंसी रही हैं। इस वक्त भी अभी तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी। बेशुमार सियाह हैं जो कल से यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको सख्त मुश्किल का सामना है। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मौसम सरमा के दौरान बर्फबारी का साफ करने का ठेका प्राइवेट ठेकेदार को दे देती है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर ठेकेदार के पास चूंकि मशीनरी माकूल न होने की वजह से पर वक्त सड़कों से बर्फ साफ नहीं की जा सकती, जिसके वजह से आए रोज ये मसाइल रहते हैं। ये पहला वाकया नहीं है कि यहाँ पर सियाह फंसे हुए, बल्कि इससे पहले भी मुतअद्दद बार यहीं पर सियाह फंसते हैं और हमेशा यही होता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से सियाहत पर इंतहाई मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। यहाँ पर मुकामी इंतजामिया का ये भी कहना है कि चूंकि तीन मशीनें हैं ठेकेदार के पास, जिनमें से दो ऑपरेटर्स कल छुट्टी पर थे और मैज एक ऑपरेटर था और एक मशीन काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा हुए और लोगों को सख्त मुश्किल का सामना रहा। इसके अलावा ये भी एक वजह है कि चूंकि जब मशीन बर्फ साफ कर जाती है उसके बाद रोड पर जब तक केमिकल न डाला जाए तो फिसलन और स्लिपरी के बायस गाड़ी का चलना भी मुश्किल होता है। जी।